नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। विराट कोहली को जब से वनडे में कप्तानी के पद से हटाया गया है, टीम इंडिया में मानो भूचाल सा आ गया है। कोहली और बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के बीच आपसी विवाद की बातें अब खुलेआम सामने आ रही हैं। अब इसको लेकर दोनों के फैंस भी आपस में भिड़ गए हैं। सौरव गांगुली के लिए उनके एक फैन ने फोटो शेयर कर लिखा कि जो भी हो, मैं बचपन से दादा का फैन हूँ और पूरी उम्र उनका ही फैन रहूंगा। पूरा देश गांगुली के साथ खड़ा है। गांगुली के फैन के इस ट्वीट पर कोहली के समर्थक ने जवाब दिया, किंग कोहली का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। गांगुली के समर्थक यही नहीं रुके, उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा, जिस आदमी ने भारत को सहवाग, युवराज, धोनी, चहीर और हरभजन जैसे खिलाड़ी दिए, उस दिग्गज के साथ पूरा देश खड़ा है। गांगुली के फैन के इस ट्वीट पर कोहली के फैन ने जवाब दिया, कोहली भारत क्रिकेट का शेर है, पूरा विश्व अपने शेर के साथ खड़ा है। गुरुवार को गांगुली से पत्रकारों ने पूछा कि साउथ अफ्रीका दौरे के बाद विराट कोहली के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी। इसको लेकर गांगुली ने कहा, मुझे कुछ नहीं कहना है, यह बीसीसीआई का मामला है और उन्हें ही इससे निपटना है, हम इसे आगे नहीं बढ़ाते हैं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं कहना है। दो दिन पहले भी जब पत्रकारों ने गांगुली से कोहली के बारे में सवाल किया था तो उन्होंने यही बयान दिया था कि कोहली से बीसीसीआई ही निपटेगा। बीसीसीआई की सीनियर सिलेक्शन कमेटी ने रोहित शर्मा को वनडे और टी20 टीम का कप्तान बनाने की घोषणा की। विराट वनडे की कप्तानी नहीं छोड़ना चाहते थे। इस पर गांगुली ने कहा कि बोर्ड ने उनसे सितंबर में ही कहा था कि अगर वे टी20 की कप्तानी छोड़ेंगे तो वनडे में उन्हें कप्तान बनाए रख पाना मुश्किल होगा, इसलिए वे टी20 में कप्तान बने रहे। गांगुली के मुताबिक विराट ने ऐसा करने से मना कर दिया और फिर बीसीसीआई के पास विराट से वनडे कप्तानी लेने के अलावा कोई चारा नहीं रह गया था। बतौर गांगुली व्हाइट बॉल क्रिकेट में दो कप्तान नहीं हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।